आज मेरे घर वाले भी नहीं है कि जो मुझे ब्रेकफास्ट और नाश्ता देंगे। जब तक मैं मेरा सूटकेस पैक कर ले तो मेरी फ्लाइट छूट गई है और मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। लेट्स गो गाइस, अपना सफर कंटिन्यू रखेंगे। मेरी फेवरेट गाड़ी, मेरी भी शादी गाइस बहुत जल्दी होगी। फोटो है मेरे पास, नहीं मत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो वेलकम है आप सबको मेरे यूट्यूब के न्यू वीडियो पे। तो गाइस अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है और अभी बज रहे हैं 7। आज मेरे घर वाले भी नहीं है कि जो मुझे ब्रेकफास्ट और नाश्ता देंगे, तो आज का नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा मेरा और आप सबको दिखाऊँगा। खाता हूँ थोड़ा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी हो गई है। जब तक मैं मेरा सूटकेस पैक कर लेता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। गाइस आप लोग कंटिन्यू रहना मेरे ब्लॉग में। अभी तो मैं बेयर बॉडी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे एज। तो गाइस फाइनली मैं फ्रेश हो गया हूँ, शावर ले लिया, मैंने प्रोटीन भी कैरी किया हूँ, 1 स्कूप अपना प्रोटीन पी सकता हूँ खाली पेट सुबह। और मैंने BCAA प्री वर्कआउट भी लिया है कि अगर मेरा वर्कआउट करने का दिल भी किया तो वर्कआउट मैं कर सकता हूँ। और ये मेरा फेस वॉश है, तो मैंने 2 जैकेट रख लिया है, एक ये कॉटन पैंट और एक जीन्स और एक वाइट शर्ट। तो आज का ब्रेकफास्ट मैं तैयार करूँगा मेरा, एग छीलेंगे। हमारा एग छील उड़ा है, देख सकते हैं मेरा एग, ये निकाल देता हूँ। अब है ड्राई फ्रूट की बारी। ये मैंने 5 बादाम ले लिए, 5 किशमिश ले लिए, अंजीर, ये अभी मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि इसमें है नहीं अभी, मैं लेके आया था, मेरे ट्रेनर ने बोला था। और ये मैं खाता हूँ। और ये हो गया अपना खजूर। वैसे तो मैं रेगुलर 1 लेता हूँ, मगर मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं 2 ले रहा हूँ। और ये मुझे गिफ्ट आया था, मैंने स्टोरी डाला था अभी कुछ टाइम पहले, तो ये मैं अभी रोज़ मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा। ये हो गया हमारा प्रोटीन का आइटम गाइस, अंडे और ड्राई फ्रूट। हमें ज़रूरत है कार्ब्स की, एक ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर। फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ। आप लोग मेरी आउटफिट देख सकते हैं, मैंने क्या कैरी किया है एयरपोर्ट के लिए। फाइनली हम लोग लॉबी में आ चुके हैं और मेरी गाड़ी भी शायद आ चुकी है। ये है मेरा सूटकेस और ये है मेरी गाड़ी। एयरपोर्ट ले लो फटाफट, बहुत लेट हो गया हूँ मैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरी फ़्लाइट छूट गई है और मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूँ। और मुझे जाना था चंडीगढ़, मैंने आप लोग को बताया नहीं था मगर अब बता दे रहा हूँ क्योंकि फ़्लाइट छूट गई है। बहुत बड़ा जख्म खा लिया भाई, हमारी फ़्लाइट छूट गई थी और मैं आ चुका हूँ मेरे घर वापस। लेट्स गो गाइस, अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। मेरी फ़्लाइट छूट गई थी मगर अभी वापस जा रहे हैं हम एयरपोर्ट। फाइनली अपन आ गए चंडीगढ़। एयरपोर्ट पे आने के बाद सबसे बड़ा टास्क ये है कि बैग के लिए रुकना पड़ता है। फाइनली मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ, और चंडीगढ़ आया था तो मैंने रेंट पे गाड़ी भी लिया था, वो आप लोग को नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे रेंट पे गाड़ी मिलती है तो मैं कंफर्टेबल यहाँ पे फील करूँ, इसके लिए मैं मेरे लिए रेंट पे गाड़ी लिया था, मेरी फेवरेट। ये है वो गाड़ी, अभी ये भाई बोल रहे कि ये गाड़ी की फुटेज निकाल लो कि कहीं पर कुछ हुआ तो नहीं है, फिर बाद में रिटर्न देने के टाइम अपने को पता तो चलेगा कि गाड़ी में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं रात में बहुत लेट आया था, मुझे सब देख के हंस रहे कि ये पागल क्या कर रहे हैं अपने कैमरे के साथ। तो अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है मेरा, अभी हम ब्रेड गरम कर रहे हैं, मेरे लिए ब्रेड गरम करना ज़रूरी है, ठंडे ठंडे ब्रेड से काम भी होगा। अच्छा गरम है तो 2 ब्राउन ब्रेड ले रहा हूँ मैं और 2 वाइट ब्रेड, थोड़ी सी भाजी ले लूँगा, क्या पता अच्छी रहे, आवाज़ नहीं निकल रही है, ठंडी लग गई मुझे। Oh,
कहाँ भाग रही है? नहीं देखो गाइस ये भाग रही है, मेरी बहन है। बहन को नहीं लगा मुझे मालूम है, कट कर दोगे। कट नहीं होएगा, ये होएगा, ये ब्लॉग है। हाँ तो कट होएगा, ब्लॉग में कट नहीं होगा। ब्लॉग में खिलाती फिर। अच्छा देख रहे, वीडियो में आने के लिए खिला रही है, खा रही है, खिला नहीं रही। वीडियो में आने के लिए देख रहे हैं। इसको पता है ब्लॉग देखेगी ना ये, घर पे लगा के कि मैं कैसा दिख रही थी। और अब कर लो, मुझे मालूम नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालूंगा, मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट हो गया। हाँ वो ऐसे ही चालू है, मैं इसके लिए तो यहाँ का ब्लॉग शूट करने आया हूँ। फैमिली को फिर सबको लोग ये देखो, सबसे मेरे डेंजर खाला। अरे यहाँ पे क्या करने आए हो बताओ? शादी अटेंड करने। किसकी? मेरे भांजे की बहन का लड़का। अब भाई मैं भी करने आया हूँ, इसके लिए अभी तक आपको बताया नहीं था, मगर अभी मेरी खाला बता दी। और कल रात में मैं लेट आया यहाँ पे, सो गया था, तो अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई, ब्रेकफास्ट लिया, नाश्ता कर रहा हूँ, अभी बता दिया, तो अब मज़ा आएगा आप लोग को। हमने ब्रेकफास्ट कर लिए है, अभी घर के बच्चे लोग परेशान कर रहे, बोल रहे कि चलो कहीं लेके घुमा रहे, तो अभी बच्चे लोग को लेके जाते, कहीं घुमा के लेके आते हैं अपन। देखो सबसे बड़े बच्चे तो ये है, इनको गार्डन घूमने जाने का। बहुत शौकीन हूँ मैं गार्डन घूमने का। मेरी नानी, दोनों बड़ी नानी, क्या हुआ? चल कहाँ घुमा कर आते हैं। अरे क्या दिख रहे हो नानी, एकदम माशाल्लाह लग रहे हो, ग्रीन ग्रीन में दोनों सेम कपड़ा पहने हो। हाँ बड़ी बहन छोटी बहन, मेरी लाली दूल्हे की लाली, मेरी लाली दूल्हे की लाली। क्या मजाक किया, ये फ्लिप मारता है पता, उल्टी गुलाटी, उल्टा चलता है ना, उल्टा चलता। देखो ऐसे मैं भी मतलब ही था बचपन में, कहीं जाना रहता तो पप्पी देता था। तो भाई छोटे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, उनको तो जानते ही हो आप लोग, मेरी अम्मी है, फोटो तो पोस्ट किया हो, वीडियो भी पोस्ट किया हो, जानते ही हो आप लोग। जो देख रही है वीडियो, अरे देखो टीवी पे लगा के देख रहे हैं, डिस्प्ले पे यूट्यूब चालू करके। हाँ ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को ना, दो दिन में ना मैं बहुत लोगों से मिलाऊंगा, और भी लोगों से मिलाऊंगा, जो मिलना चाहेंगे आपसे, जबरदस्ती नहीं मिलाऊंगा। देख लो आप जान ही लोगी मेरी मोबाइल ही है, स्मार्ट मोबाइल है। ये मेरे नाना है, ये बुढ़वा नाना हमारा है। अरे तो बुढ़वा ही रहते लाला लोग। ये नानी बुढ़ी है, नानी है, ये मेरी नानी है। ये नानी मीरा रोड में रहते, हम लोग बचपन में बहुत जाते थे मीरा रोड। मगर अभी जब से बिजी हो गए अपनी अपनी लाइफ में, काम वाम में थोड़ा कम आना जाना होता, नहीं तो बचपन में हम लोग जाते थे। देखो दूल्हे राजा, ये बताया था ना आप लोगों को, दूल्हे की नानी ये है। मेरी भी शादी गाइस बहुत जल्दी होगी, क्या लगाना है बताओ। मतलब टाइम है अभी, तो 3-4 साल है, जब तक आप लोग इंजॉय करो, टाइम है अभी शादी का। शादी में बहुत हैंडसम दिख रहा था। नहीं अब दिख रहा, पहले नहीं दिखता था गाइस, अभी मैं ठीक हुआ, खुद को मेंटेन किया हूँ, आप लोग भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ तक का बेल्ट बांध के बहुत अच्छा दिख रहा था। नहीं नहीं यहाँ तक का बेल्ट बांधता था, और शर्ट इंग रहती थी, और शर्ट अंदर रहता था ना, और लाइट ब्लू कलर शर्ट पहना था। ग्रीन फोटो है मेरे पास, भेजो। नहीं मत भेजो, बस इतना बता दिए बहुत। चलो बच्चे लोग रेडी हो गए, ये लोग को कहीं घुमा के लेके आते। ये गाड़ी मैंने रेंट पे लिया था, आप लोग को तो बताया था, चंडीगढ़ की धन्नो। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। कौन सा गार्डन है ये? कौन सा गार्डन है? रॉक गार्डन। उधर कौन सा गार्डन है ये? क्या ब्लूक वाला नहीं, ये चंडीगढ़ में कौन सा गार्डन है, इसको क्या बोलते हैं? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन गोलू मोलू
अभी हम है पंजाब चंडीगढ़ के रॉक गार्डन पे, बच्चे लोग को लेके आया हूँ थोड़ा घुमाने। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक बार, यहाँ पे अंदर मैं वीडियो और फोटो भी निकाला था। यह है रॉक गार्डन, यहाँ से पानी गिरता है मगर पानी गिर रहा नहीं है, अभी बंद करके रखे कि क्या प्रॉब्लम है नहीं पता, मगर यहाँ से पानी गिरता है और यहाँ से बहते हुए जाता है। देखो थोड़ा सा भी गिर रहा है मगर यहाँ से पूरा गिरता है पानी। पिज़्ज़ा तुम मेरी फोटो यहाँ की देखी होगी मरून पैड में, और सब कल लोग यहाँ खड़े हैं जिनकी शादी हो चुकी है, पेट संभाल दे मामू मेरे, चश्मा वश्मा लगा के सबका पेट निकल गया एक बच्चों के। यहाँ के बारे में बता रहे, यहाँ पे कैसा दीवार बनाते थे, कैसा डिजाइन करते थे, मतलब न्यू क्या। देखो चूल्हा, वो देखो मोटी रोटी, मोटी रोटी है ना, हाँ मोटी रोटी तवा। देखो चूल्हा, और देखो मेरी मिनी खाला, ये देखो मिनी खाला खालू और रेशमा खाला अम्मी का है। हम भी अदर को गड़ा लेके जा रहे हैं। अच्छा तीनों बहन इधर है, तीनों बहन इधर है और मुमानी इधर बैठे हैं। पूरा गांव में सीक्वेंस है गाइस, लाल और दादा बैठा कोई है, यहाँ पे पंचायत हो रही है, आइए मुंशी जी है, विधायक ये विधायक है, आइए विधायक की बच्ची है, विधायक की बीवी और वो लेफ्ट है। अरे अरे वहाँ मुझे लगा कोई खड़ा है, यहाँ पे रियल में सही में। यहाँ पे तीनों की मीटिंग हो रही है, क्या क्या कर रहा है, क्या प्लान करने का, सब प्लानिंग चल रही है। घर है, घर की बड़ी बेटी छोटी बेटी दरवाजे पे खड़ी है, कोई आएगा तो सीधा अम्मी को आवाज देगी, अम्मी कोई आया आज घर में। घर बहुत अच्छा लग रहा है, दरवाजा खोल के अंदर एंट्री करो। यहाँ थके या नहीं थके, फिर भी चल मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। एक्टिव एक्टिव खा ली जल्दी, थकती भी मगर आज थक गए, मेरी अम्मी तो हालत ही खराब हो चुकी है, और खालू तो एकदम फिट है, मुमानी देखो एक्टिंग कर रहे फिट होने क्या मगर थक चुकी है, मुमानी अंदर से थके हुए पर बाहर कोई नहीं जाहिर करना चाहता। देखो ये रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, मुझे बोलते हैं कि रिकॉर्ड हो गया, अभी बोलते हैं कि मैं बोल दिए। चलो 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 चलो, चलो बहुत बस फोटो तक ले नहीं रोकना कोई एग्जिट है अभी, अभी तो पूरा गांव बसा है आगे, आधा घंटा लगा देंगे। अरे अभी देखो अभी पूरा गांव बसा है आगे, दिखेगा ये एग्जिट है, ये बाहर का है। चलो
मेरा आज लास्ट दिन है चंडीगढ़ में, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं बारात की फुटेज नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, प्लस फैमिली भी थी सबकी अलग अलग, तो मैं फुटेज लेना सही नहीं समझा। मेरी फ़्लाइट है 4:40 की, मतलब 5 बजे की फ़्लाइट है, अभी बज रहे 12:15, तो मैं सोचा थोड़ा राउंड मार लेता हूँ चंडीगढ़ में क्योंकि मैंने रेंट पे गाड़ी भी लिया है तो थोड़ा वसूल लेते गाड़ी को चला के। मैं फ़र्स्ट टाइम थार चलाया, मुझे बहुत अच्छी लगी, पता है गाइस बहुत मज़ा आई चलाने में। कुछ नहीं है, बस काम चलाने के लिए मैंने गाड़ी पहुँच लिया क्योंकि जब मुझे गाड़ी मिली थी तो वॉश करके नहीं दिया था सामने वाले ने, तो मेरा ग्लास स्पॉट। आप लोग मेरे साथ घूमेंगे अब थोड़ा चंडीगढ़, मुझे ना सर्दी हो गई है थोड़ा सा, मैं नाक बह रही है गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं वर्षा के इधर पे, वर्षा यहीं रहती है ना चंडीगढ़ में, तो अभी हम वर्षा को उठाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने क्योंकि उसको यहाँ का लोकेशन पता है। मुझे लगा सिग्नल है यहाँ पे, मगर ऐसा कुछ नहीं, सिग्नल तो है ही नहीं। 17 किलोमीटर आधा घंटा, रे बाप रे इतना दूर रहती है ये। तो गाइस चलो अभी हम 32 मिनट गाड़ी चला लेते हैं, 17 किलोमीटर है यहाँ से, लेट्स गो मिलते हैं। What's up guys? तो फाइनली मैं आ गया हूँ मेरे घर पे और मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे अभी आराम की ज़रूरत है। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइस, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग, और अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताना और क्या गलत था क्या ख़राब था उसके लिए भी कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट टाइम से मैं और अच्छा कर सकता हूँ। मैंने तो प्लानिंग किया था कि मतलब मैं ऐसा ऐसा शूट करूँगा मगर मेरे साथ शॉर्ट हो गया था, आप लोग को तो पता है मेरी फ़्लाइट भी छूट गई, उसके बाद मैं ऑलरेडी रात भर का जागा हुआ था, उसके बाद फ़्लाइट ले गया एयरपोर्ट पे, फ़्लाइट नहीं मिली, उसके बाद 1.5 घंटा वहाँ पे वेट किया, उसके बाद घर आया, घर आने के बाद मैं सोचा सो लेता हूँ 1-2 घंटा सो के फिर वापस गया एयरपोर्ट, तो मैं आराम कर लेता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरा देखना गाइस, नेक्स्ट टाइम से और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत सी फुटेज नहीं ले पाया, बहुत सी फुटेज लिया हूँ, जो फुटेज नहीं ले पाया उसका कुछ रीज़न था समझ लेना, क्योंकि सब कुछ कैच नहीं कर सकता मेरा कैमरा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन।